नमस्कार दोस्तों, अभी अभी ईरान से बेहद बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि रईसी की मौत के बाद अब नए राष्ट्रपति का चयन हो गया है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुलहियान के साथ अन्य सात अफसरों की दर्दनाक मौत के बाद 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और कल अंतिम संस्कार का भी ऐलान हुआ है। दोस्तों, सोमवार को सभी 9 सवारों की मौत की पुष्टि होने के बाद तुरंत ही ईरान के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद दुनिया भर के देश हैरान है। कह रहे हैं कि कहीं रईसी की मौत की वजह इसराइल तो नहीं। यदि ऐसा हुआ तो कोहराम मच जाएगा, क्योंकि हादसा मौत दर्दनाक होकर भी सामान्य है। दोस्तों, आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुलहियान की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद इन पदों के लिए नए नामों पर फैसला हुआ। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। देश में अगले 50 दिन में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने की बात कही गई। चुनाव तक मोहम्मद मुखबर को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। वहीं अमीर अब्दुलहियान की जगह ईरानी कैबिनेट ने अली बघेरी के नाम पर नई विदेश मंत्री के लिए मोहर लगा दी है। दोस्तों, ईरानी कैबिनेट के निर्णय से बघेरी को कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। इन दोनों ही नेताओं के बारे में खास बात यह है कि इनका भारत से संबंध काफी नजदीकी रहा और यह भारत के लिए खुशखबरी भरी खबर साबित हो सकती है। दोस्तों, ईरान के नए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री बने नेताओं के भारत कनेक्शन की अगर बात की जाए तो दोनों का ही काफी समय नई दिल्ली में गुजरा और दोनों के भारत से करीबी संबंध है। दोस्तों, नए राष्ट्रपति मुखबर भारत के लिए ईरान के विशेष दूत हैं, ऐसे में उनका भारत आना जाना रहता है। वहीं नए कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बघेरी कानी भारत में ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार हैं। दोस्तों, ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर वे लगातार नई दिल्ली आते रहते हैं और भारतीय नेताओं से मिलते जुलते हैं। ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही नेता भारत और भारतीय राजनीति से परिचित हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स दोनों देशों के रिश्तों में ज्यादा बेहतरी की उम्मीद जता रहे हैं। दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति विदेश मंत्री की मौत के बाद तुरंत राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की नियुक्ति और उस पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद 24 से लेकर 72 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।